हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम गए हुए थे आगरा घूमने के लिए। अब आगरा के बाद हम वृंदावन आए हैं। अभी फ़िलहाल हमें वृंदावन में, और यहाँ से हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेंपल। बांके बिहारी टेंपल विजिट करने के बाद हम जाएंगे इस्कॉन टेंपल। तो उस ऑटो वाले ने हमको यहाँ उतार दिया था। यहाँ उतरने के बाद हमने ई रिक्शा पकड़ी है, क्योंकि अंदर तक ऑटो रिक्शा नहीं जाती है। तो अब हम ई रिक्शा में अंदर तक जा रहे हैं। अंदर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का माहौल। तो मंदिर में अंदर घूम के आने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर। ये ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ पे अंदर पे कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल के आ चुका हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा मंदिर का नज़ारा है बाहर से। ये गेट नंबर एक है, और सामने आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पर मेरे आसपास भी बहुत भीड़ हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको कैमरे से शॉट दिखाता हूँ टाइम लैप्स की, क्योंकि भीड़ में शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सामने देखिए मेरे कितनी भीड़ है। अब यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं, देखते हैं फिर कुछ खाने पीने के लिए और प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ तक आता था जो मेरे साथ मेरा भाई चल रहा था, वो खो चुका है कहीं। तो अभी मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। वो जो मेरे साथ मेरा भाई था, वो कहीं खो चुका है। अब उसको ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूँ। मैं आके एक जगह दुकान पर बैठ गया हूँ, यहाँ पूरी और सब्ज़ी खाता हूँ, तब तक उसका वेट करता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे वो मिला नहीं है। और उसका फ़ोन भी मेरे पास ही रखा है। मैंने उसको ट्राई किया ढूंढने की बहुत जगह, कहीं नहीं मिला। और उसका फ़ोन भी ये मेरे पास है, मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक जगह बैठ के पूरी सब्ज़ी खा रहा हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ। एक घंटा हो गया है मुझे उसे ढूंढते ढूंढते। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे पूरी सब्ज़ी खाता हूँ, फिर वेट करता हूँ उसका आने का। शायद वो यहीं आ जाए या कहीं और, जो भी होगा वेट करते हैं। तो हमारे साथ वाला मिल चुका है, उसका फ़ोन आ गया दूसरे फ़ोन से। अब उसके पास जा रहे हैं। उसके पास जाके मिलते हैं आपसे। पहले यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। एक घंटा घूम लिया, पता नहीं जो साथ चल रहा तो साथ रहा कर यार, फोन है नहीं तेरे पे। राधे राधे, जय हरी जी की। बोल दो क्या बोलना। वृंदावन आते रहे हमारे बाके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। मैं वृंदावन का ब्रजवासी बच्चा, मेरा नाम सोनू बघेल, ये चैल बिहारी पेड़े वाला ऊपर से। हमारे मथुरा वृंदावन के जो पेड़े हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारे बाके बिहारी लाल का एक दिन भोग नहीं लगा था, तो हमारे बिहार जी महाराज एक दुकान पर आकर बोले कि बाबा हमें एक दूध और पेड़ा खिलाओ। तो जब उन्होंने कहा कि बाबा कुछ पैसे दे, तो अपने कंगन उतार के उन्होंने दे दियो। जब बोले हमें दूध और पेड़ा खा के, जब मालूम पड़ी बिहार जी में तो चोरी है गई काहे की, कड़े की। तो जब बाद में वो दुकानदार आके बोलो जी खड़ो तो बिहार जी को देखो महाराज, मैंने कही हाँ तो पे कैसे आयो, मैंने इतना से छोटा सा छोरा आयो माने मुँह पे से दूध पियो और पेड़ा खाए, बाद रात हमारे बिहार जी महाराज को पेड़ा का भोग लगनो आरंभ है गो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो भाई अपना जोड़ीदार मिल चुका, हम चलिए वापस इस्कॉन टेम्पल की तरफ। यहाँ से हमने अरे प्रसाद उसकी दुकान पर रह गया, मुझे प्रसाद ले गया, प्रसाद हमने वही छोड़ दिया वापस। तो अपना प्रसाद लेके हम वापस आ गए, अच्छा ढूंढने में साथ रहने में क्या दिक्कत है भाई? तो तुझे साथ रहने में क्या दिक्कत है? वो सेंट से वाला था एक कहीं, वो रिक्शा पकड़ेंगे इस्कॉन टेम्पल की। इस्कॉन चलेगा
हैं? क्या सवारी? दो सवारी। चालीस कौन टेंपल तो पंजाब तो इसकोन टेंपल 40 रुपये देख सके आप वृंदावन वो वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं। तो आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। ध्यान रखिए कि हाथ धोने के लिए पैर धोने के लिए अंदर एंट्री पे आपके शूज जमा हो जाएंगे और बैग भी जमा करने का लोकर भी अंदर एंट्री पे है। अब अंदर चल के देखते हैं। भैया हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। इससे ज़्यादा इससे आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहीं तक आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखते हैं कहीं अगर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो अंदर भी दिखाएंगे जाके। अब थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। भैया हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। इससे ज़्यादा इससे आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहीं तक आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखते हैं कहीं अगर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो अंदर भी दिखाएंगे जाके। अब थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। हरे राम तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर निकल चुका हूँ मैं। अंदर एक घंटा कम से कम बैठे होंगे, एक घंटा बैठ के हमने भजन सुने। अब हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ से निकल के हम वापस जाएंगे। वापस जाने के लिए देखते पहले हमने जो शूज़ जमा करवाए थे और अपना बैग जमा करवाया था वो कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक दो फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर जाके आपसे मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल से बाहर। अब चलते हैं बाहर की तरफ, अपने बैग और शूज कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे। अभी वहाँ पे सामने
हमारे शूज और हमारे बैग जमा हुए हैं, वहाँ जाके अपनी जो स्लिप मिली थी वो स्लिप देके अपने बैग और शूज़ वापस ले लेंगे, उसके बाद शूज लेते हैं पहले चल के। भैया शूज पहनने के बाद हम अपना बैग कलेक्ट करेंगे, बैग के लिए स्लिप मिली थी ये स्लिप देकर बैग कलेक्ट करेंगे, मरम्मत करेंगे। मेरा महंगा सोचा हूँ तो बैग भी ले लिया, अब हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर जाके देखें। चुके हैं बाहर मंदिर से बाहर, मथुरा का ऑटो देखेंगे, आज मथुरा का ऑटो ढूंढना पड़ेगा। नहीं भैया तो हम चल दिए यहाँ से वापस मथुरा की तरफ, मथुरा से दिल्ली की हमारी ट्रेन है वापस के लिए। अब हम आ चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन पे वृंदावन से ऑटो करने के बाद, अब यहाँ से हमारी दिल्ली की ट्रेन है। तो इस वीडियो करते हम यही ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंट्री निकास।